नमस्कार दोस्तों, जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 14 जनवरी दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चिन्ह साबित रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों को पार्क पर जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शनिदेव महाराज लिखें, शनिदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार, आज की तिथि सप्तमी, आज का नक्षत्र हस्त नक्षत्र, पक्ष चल रहा कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:41 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 7:57 से सुबह 8:39 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर 5 और शुभ रंग है गुलाबी और हल्का हरा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इच्छा शक्ति की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक परेशानी फंसा सकती है। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले, ऐसे काम हाथ में लो जो रचनात्मक और प्राकृतिक के हैं। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। यह दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं आपका तेज काम आपको प्रेरित करेगा सफलता हासिल करने के लिए। समय के साथ अपने विचारों में बदलाव लाएं, इससे आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा, समय का दायरा बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और दिमाग विकसित होगा। आपका कोई दोस्त आपसे आज बड़ी रकम उधार मांग सकता है, अगर आप उनको यह रकम देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएं, आसमान ज्यादा उजला नजर आएगा, फूलों में ज्यादा रंग दिखेंगे और आपके आसपास सब कुछ चमक उठेगा क्योंकि आप इश्क का सुरूर महसूस कर रहे हैं। इस राशि के कारोबारी आज किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी में आ सकते हैं। जॉब करने वाले जातकों को आज कार्य क्षेत्र में सोच समझ कर चलने की जरूरत है। आज पूरे दिन आप खाली रह सकते हैं और टीवी पर कई फिल्में और प्रोग्राम देख सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी की ओर से खास तोहफा मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं व्यवसायिक और आर्थिक संदर्भ में आज आप कुछ निराशा का अनुभव कर सकते हैं। आपके दुश्मन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। आपकी आय कम हो सकती है और आपके निवेश ठहराव के चरण में आ सकते हैं। इस अवधि के दौरान व्यवसाय के संबंध में यात्रा उचित फल नहीं देगी। आपको शीघ्र पैसा कमाने की योजना में निवेश करने से बचना चाहिए, दोस्त मददगार नहीं रहेंगे। इस राशि के लिए आपको कमिटमेंट करने से पहले दो बार सोचकर आपके लिए श्रेयदायक रहेगा। आपकी संतान का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है, चिकित्सक और अन्य व्यर्थ की आपकी बचत को छीड़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा, आपका कोई सोचो काम पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को कैरियर में आज के दिन नया बदलाव आएगा जो उनके विषयों के लिए फायदेमंद होगा। आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। इस राशि के जो लोग सोशल साइट से जुड़े हैं उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो उनके लिए लाभ पहुंचाएगी। कारोबार में कुछ लोग मदद का साबित होंगे। दोस्तों के साथ बेहतर दिन बीतेगा। अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, आपके साथ सब अच्छा होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। पिता से संबंध अधिक गहरे बनते जाएंगे। एक दूसरे की तकलीफ को दूर करने की आप कोशिश करेंगे। खर्चों में ज्यादा कंजूसी करना परिवार में दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। पुराने रिश्तों की यादें आज आपके दिमाग में घूमती रहेंगी।
प्रेम विषयों में भावुक होकर निर्णय लेना उचित होगा। आज आप अपने ज्ञान का बाखूब प्रयोग कर पाएंगे। आपको अपनी बहन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप के लिए कोई पार्टनर भी मिल सकता है। नौकरी में अतिरिक्त आय की प्राप्ति का आप प्रयास ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज किस्मत के सहारे आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। किसी रिश्तेदार के साथ आज अपने पुराने दिनों का याद करना रोमांचक हो सकता है। बिना सोचे समझे कोई भी वस्तु ना खरीदें। आज का दिन कपल्स के लिए रोमांस के लिए लवरेज रहेगा। वैवाहिक जीवन में खर्च अधिक होने के योग हैं। आज सकारात्मक रहें और सही ढंग से धन को प्राप्त करने का प्रयास करें। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में अधिकतर निर्णय आपको ही लेने पड़ेंगे। विदेशी व्यापार कर रहे लोगों को आज कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी। गायक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और दोस्तों आपको बताएं, पैसे से संबंधित लक्ष्य हासिल होंगे। जीवन शैली का स्तर बढ़ाने की आप कोशिश करें। बड़ी खरीदारी संभव हो सकती है, लेकिन खरीदारी की वजह से खुद पर किसी भी प्रकार का कर्ज ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करने के लिए सलाह मशवरा भी होगा। पार्टनर एक दूसरे के ऊपर दबाव डालकर एक दूसरे को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ तनाव आपकी वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या रह सकती है। भागीदारी में किया गया व्यापार सफलदायक रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस समय आपको अपने प्रेमी पर शक ना करते हुए उन पर अपना विश्वास दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात आप दोनों अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वास के साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी मामले पर पहुंचने से पहले आपसी समझदारी से ही आप दोनों को अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा, क्योंकि इस दौरान आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी नहीं महसूस हुआ होगा। साथ ही आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। और प्रेम जीवन के चलते आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज घर में आपके ग्रह के चलते आपको घर से कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही आपको बताएं कि आज आप ज्यादा भाग दौड़ के काम ना करें व आपके गिरने पर चोट लगने की संभावना है। इसलिए आप जो भी काम करें थोड़ा ध्यान से करें। और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग या व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।